A very good morning to all my dear students. Today we are just going to start our new lesson from our literature portion, that is lesson number 6, The Making of the Scientist. It has been written by Richard W. Peterson. So, now here we will come to know that this story is all about Richard E. Bright, a child, he has just grown up and become a scientist. He has just received the Searle Scholar Award and Scaring Plow Awards for the biochemistry and molecular biology. It was the fascinating for the butterflies that opened the world of science to him. Now, here in this lesson, we come to know that how Richard E. Bright, as a younger child, just confront some of the particular sacrifices and interesting facts about the butterflies, and then he come to know about the cells and how the different colors was given to them, different human beings and butterflies, because all the plasmatic cells were just work same as on the butterfly. So he had just picked up the theory of butterflies over the each and every human beings. After that, he just come to know about he just tell us about that how a book become a turning point in Richard E. Bright's life, and how did his mother help him to become a scientist. So here the first the thing is that The Making of the Scientist, you will come to know this very title is very significant and very appropriate, because our Richard E. Bright is a person here who had just gone through the different stages and then found himself as a scientist. Now here at the age of 22, by साल की उम्र में a former scout of the year. It means scout कौन होता है जो schools में expeditions पे सबसे आगे रहता है. So जो former scout of the year का उसे किताब मिला था, किसे मिला था? Richard H. Bright को. He excited the scientific world of with a new theory on how cells work. उसने एकदम से पूरे संसार को एक एक्साइट कर दिया था साइंटिफिक थ्योरी देकर. एक न्यू थ्योरी थी किस पर? सेल वर्क पर, कि किस तरीके से कोशिकाएं जो हैं वो काम करती हैं, सेल्स वर्क करती हैं. नाउ रिचर्ड एच ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. रिचर्ड एच ब्राइट और उसके कुछ कॉलेज रूममेट्स ने एक थ्योरी एक्सप्लेन की थी एक आर्टिकल में. वो आर्टिकल कब कहाँ लिखा गया था? ये आर्टिकल लिखा गया था इस मैगजीन में, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ द साइंस. सो रिमेंबर दिस, दिस इज़ द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर जर्नल. जर्नल मीन्स वो प्रति जो साल में एक कंटिन्यूस फॉर्म में छपती है. सो इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स. इस जर्नल ने, यानी कि इस मैगजीन ने, पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी भी साइंटिफिक रिसर्च पर कॉलेज स्टूडेंट्स का यू कैन से वर्क जो है वो पब्लिश किया था. In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15, hitting a home run, your first time at bat. ऐसे तो बहुत सारी खबरें छपती थी कि किसी ने 15 साल की उम्र में स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी लीग खेली है, और या फिर किसी ने एक बड़ा सा होम रन किया है बहुत छोटे एज में. फॉर रिचर्ड ई ब्राइट वॉज द फर्स्ट टाइम द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. लेकिन जो हमारे यहाँ रिचर्ड ई ब्राइट हैं, उनके लिए एक पहला मौका था इतने बड़े अचीवमेंट्स हासिल करने के बाद साइंस और अदर फील्ड्स में, कि उनका जो कैरियर है वो किसे स्टार्ट होता है? स्टार्टेड विद द बटरफ्लाइज. और ये कहाँ छपता है? इन द जर्नल. जर्नल का नाम क्या था? प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. एंड ओनली चाइल्ड, अब वो एक लौता अपने माँ बाप का बच्चा था. ई ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग. रीडिंग एक जगह का नाम है, तो वो उसके उत्तर वाले प्रांत में ई ब्राइट ने जो है वो बड़ा हुआ है. और रीडिंग कहाँ है? ये है पेंसिल्वेनिया में. सो पेंसिल्वेनिया एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ रीडिंग नाम का एक ऐसे एक शहर है जहाँ पर ई ब्राइट जो है ग्रो अप हुआ है. और वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है. देयर वॉजंट मच आई कुड गो डू देयर. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मैं यहाँ कुछ ज़्यादा कर पाता, यानी कि वो अपनी जगह की बात कर रहा है कि वहाँ ऐसी सर्टेनिटी नहीं थी वो जहाँ ग्रो कर पाता ज़्यादा अपनी साइंटिफिक थ्योरीज में. ही सैड आई सडनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन. मैं यहाँ पर एक टीम के साथ अच्छे से फुटबॉल और बेसबॉल तो खेल नहीं पाता था, यहाँ पर मैं अपनी साइंटिफिक थ्योरीज के लिए सेटअप कहाँ से लगा था. बट देर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स. बट वहाँ एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था, वो था चीज़ें इकट्ठे करना. सो ही डिड, सो उसने किया.
डिड ही एवर, जो उसने हमेशा किया, बिगनिंग इन किंडर गार्डन, उसने सबसे शुरुआत की थी किंडर गार्डन की जगह से, जहाँ पे बच्चों को खेलने की जगह होती है वहीं से वो कलेक्ट चीज़ें करता था। ए ब्राइट कलेक्टर ऑफ बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। अब वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करता था उसी उसी दृढ़ निश्चय के साथ और मार्क करता था उसकी हर एक एक्टिविटी को। ही ऑल्सो कलेक्ट रॉक्स फॉसिल्स एंड कॉइन्स। अब वो क्या करता था कि वो सारी की सारी चीज़ों को ना एक तरीके से, यानी कि जो फॉसिल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, इनको मतलब जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा करता है। फॉसिल क्या होते हैं? फॉसिल होते हैं वो इम्प्रिंट्स जो किसी जंतु या फिर किसी पौधे के मरने के बाद किसी पत्थर पर चिपके रहने के कारण उसकी वो प्रति जो है उस पर छप जाती है, राइट। सो ही बिकम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट। कभी कभी वो रॉक्स इकट्ठा करता था, कभी फॉसिल इकट्ठा करता था, कभी कॉइन्स इकट्ठा करता था, कभी बटरफ्लाइज इकट्ठा करता था, कभी एस्ट्रोनॉमर भी बन जाता था, यानी कि खगोल शास्त्री, यानी कि जो अंतरिक्ष में देखते हैं। तो क्योंकि वो पूरे दिन रात क्या करता था, तारों को घूरता रहता था। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। उसके अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी थी जो ब्राइट माइंड को हमेशा ड्राइव करती रहती थी। ही ऑल्सो हैड ए मदर हु इनक्रेज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उसकी जो मम्मा थी यानी मदर थी वो उसको हमेशा इंक्रेज करती थी कि वो कुछ सीखे। ही टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उसको ट्रिप्स पे लेकर जाती थी। उसको एक टेलीस्कोप खरीद के दिया, माइक्रोस्कोप्स खरीद के दिया, कैमराज खरीद के दिए, माउंटेन मटेरियल खरीद के दिया और अदर इक्विपमेंट्स भी दिए एंड हेल्प इन हिम इन मैनी वेज। और ऐसे बहुत सारी चीज़ों में उसका हेल्प की। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। अब उसकी मदर कहती है कि मैं ही उसकी पहली दोस्त थी जब तक वो स्कूल में जाने नहीं लगा था, उसके उससे पहले उसके कोई दोस्त नहीं था। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। अब मैं उसके लिए कुछ, ताकि वो दोस्ती भी लोगों से करे, दोस्ती के बारे में जाने। ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल था उसके लिए क्योंकि वो बहुत चीज़ों से अलग रहता था, तो मैं उसके लिए घर पर ही उसके दोस्त बुला लेती थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। बट रात को हम सारी चीज़ें इकट्ठा ही करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ। यार रिची किसका शॉर्ट नेम है, पेट नेम है, निक नेम यू कैन से रिचार्ड का है, वो मेरी पूरी लाइफ है। क्योंकि उसके फादर जब मरे थे उस वक्त रिची सिर्फ थर्ड ग्रेड में था, यानी तीसरी क्लास में ही था। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। वो उसके उसका जो बच्चा था यानी कि रिचार्ड और उसकी मदर ऑलमोस्ट हर इवनिंग डाइनिंग रूम पे साथ ही बिताते थे। इफ़ ही डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू आई फाउंड वर्क ऑफ हिम। अगर उसके पास कुछ काम करने के लिए नहीं था तो मैं उसके लिए काम ढूंढ दिया करती थी। नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स। कोई फिजिकल वर्क नहीं था बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जिससे वो सीख सकता है। उसके मम्मा का ये कहना है ही लाइक डिड एंड वॉन्ट टू लर्न। उसको पसंद थी और वो कुछ सीखना भी चाहता था। एंड लर्न ही डिड। और वो सीख कर ही चीज़ें करता था। ही अर्न टॉप ग्रेड इन द स्कूल। उसको स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर चाइल्ड। और हर दिन वो अदर जो बच्चे थे उनकी तरह ही दिखता था, यानी कि उनकी तरह बिहेव करता था। हिज मदर सेड, उसकी मम्मा कहती है, बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड ई ब्राइड हैज़ कलेक्ट ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। अब जो एक बॉक्स दिया गया है यहाँ पर, ये वाला ब्लू कलर बॉक्स जो ब्लू लाइन के अंदर बंद है, इसमें 25 स्पीसीज हैं जो उसने अपने सेकेंड ग्रेड तक ही इकट्ठी कर ली थी। अब उन स्पीसीज का नाम क्या है, देखिए, ये हम उसने 6 हफ्तों में रीडिंग नाम की जगह जहाँ पर वो पता हुआ था पेंसिल्वेनिया में, वहाँ इकट्ठी की थी। यहाँ थी जैसे थे, एक थी गो सैमर विंग्ड बटरफ्लाइज थी, इसके अंदर ये जो यू कैन से 8 और 9 अप्रोक्सीमेशन जो बटरफ्लाइज हैं वो हैं, और स्फेरस नॉट बटरफ्लाइज एंड देन वुड नेम्स एंड स्टार्स एंड देन मोनार्क्स वाइट एंड सल्फर्स ब्रश एंड फूटेड बटरफ्लाइज। तो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर ग्रोस एमर विंग्ड फ्लाई वो हैं जिनकी जो फ्लाई विंग्स हैं, विंग्स हैं जो उन पर थोड़े से चितके होते हैं, यानी कि थोड़े से स्पॉट्स होते हैं, स्नाउट होती हैं जिनकी, जो आगे की जो नोज होती है वो स्नाउट की तरह होती है।